हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा पुरानी साड़ी का यूज। तो देखिए, ये आउट फैशन साड़ी है, मेरी मम्मी की है, काफ़ी साल पुरानी। कम से कम इस साड़ी को भी 25 साल हो गए होंगे। तो इनके पास रखी थी, मैं ले आई, फिर छुट्टियों में गई थी, तब मैंने सोचा मैं कुछ इससे बना लूँगी। अब मैंने इससे देखिए कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। अब जो पल्लू वाली साइड है उधर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और नीचे से देखिए इसकी जो किनारी है डिजाइन वाली, उसको मैं ऐसे ही लेने वाली हूँ इसी में ही। और जो दोनों साइड की किनारी है डिजाइन वाली, स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, वो भी मैं साइड मतलब फ्रंट साइड में लगा दूंगी, यहाँ पर ले लूंगी। तो ये इसकी जो लंबाई टोटल ली है मैंने 40 इंच की ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैं कोटी बना रही हूँ, इसकी पूरी ड्रेस मैं बनाऊंगी, एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और इसका फाइनल लुक आप लोगों को, तो मतलब इस कोटी का तो फाइनल लुक आपको इसी में ही मिल जाएगा, लेकिन जो फाइनल ड्रेस हमारी रेडी होगी, तीन पार्ट में हमारी तीन पीस की ड्रेस है हमारी, वो आपको तीन वीडियो में देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ से हम शोल्डर लेने वाले हैं 7 इंच का, आप 6 या 7 इंच का ले सकते हो। तो मैं बंद गला बना रही हूँ बिल्कुल, तो इसीलिए मैं 7 इंच का ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा ओपन गला बना रहे हो तो आप 6 इंच का ले लेना यहाँ से। और नीचे की साइड से भी मैंने सीधा निशान 7 इंच का लगाते हुए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको यहाँ से शोल्डर, देखिए ये जो मैं नीचे आरमोल ले रही हूँ वो 6 इंच का रख रही हूँ, तो ये मैंने आरमोल 6 इंच का रख दिया यहाँ से। अब 6 इंच का आरमोल लेने के बाद में यहाँ से हम देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे की साइड से, देखिए जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ, 1 इंच अंदर की साइड से निशान लगाना है, ताकि ये जो आरमोल है अंदर से थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि यहाँ से फिर ज़्यादा लूज सा हो जाएगा इसीलिए। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा आरमोल और शोल्डर का निशान लग चुका है। अब इसमें हम गले वगैरह का निशान लगाएंगे। इसमें अब हम पहले फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो फिटिंग में आप मतलब ज़्यादा लूज नहीं लेना है, बिल्कुल फिट मतलब लेना है, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन कोटी बनाने वाले हैं, इसीलिए आप इसे कुर्ती के ऊपर या फिर टॉप के ऊपर जैसे भी आप इसे पहनना चाहो वैसे आप पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा, आप लोग लास्ट में देखना। देखिए मैंने इसका फिटिंग इसकी 7 इंच की है वैसे टोटल, तो उतना ही मैंने फिटिंग लिया है, और 1 इंच मैंने लूजिंग के लिए मतलब जो हम फिटिंग देंगे उसके लिए लिया है। और देखिए यहाँ से कमर का निशान लगाया मैंने 6 इंच पर नीचे, और 6 से फिर नीचे निशान लगाया 12 पर। तो इस तरीके से कमर पर हम निशान 1 इंच कम लेते हुए लगाएंगे। ये मैंने देखिए ऊपर से फिर मैंने 8.5 इंच का रख दिया था, कमर पर से मैंने ये रख दिया है 8 इंच का। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे कमर का भी, और ये हम इस तरीके से नीचे की साइड में भी शेप दे देंगे। तो इस ये जो हमने शेप दी है उसको हमें नीचे तक मिला देना है, तो हमारी ये पीस एक ही पीस में कट हो जाएगा। अलग अलग आपको करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे से डिजाइन है तो फिर नीचे की जो डिजाइन है वो बेकार हो जाएगी, इसीलिए मैं बिल्कुल नीचे तक नहीं कट करूँगी, लेकिन इस तरीके से टेढ़ा कट कर दूंगी। अब देखिए यहाँ से हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला मैं चौड़ाई रखने वाली हूँ 2.25 इंच की, तो 2.25 इंच का मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया है। और देखिए गला पीछे का मैं केवल 1 इंच का ही कट कर रही हूँ, 1.5 इंच का, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाने वाले हैं इसीलिए। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से तिरछा कट किया हुआ है, नीचे तक बिल्कुल कट नहीं किया है। और यहाँ से हमें दोनों पार्टों को अलग अलग कर देना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट मैंने अलग अलग कर दिया है। बैक पार्ट में जो हमने निशान लगाया था गले का 1 इंच का था, वो हमने इस तरीके से कट कर दिया है। अब हम फ्रंट वाले गले को देखिए, यहाँ पे ये जो डिजाइन आ गई है ना, वो हम गले की साइड में करेंगे। तो गले का निशान मैं 3-3.5 इंच का लगाऊंगी यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने ये 3.5 इंच का गले का निशान लगा दिया। चौड़ाई 1.25 इंच की हम रखेंगे, जैसे कि हमने पीछे के गले की रखी है, तो उसी के हिसाब से मैंने 2.25 इंच की, सॉरी 2.25 इंच की इस तरीके से चौड़ाई रखते हुए मैंने इसमें शेप दे दिया हल्का सा राउंड में। और शेप देने के बाद में इसको हमें कट कर देना है। तो ये हमारा गला हो चुका है। अब चलिए इसकी हम सिलाई वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए सिलाई करेंगे, और इसमें हम शोल्डरों को ज्वाइंट कर लेंगे आपस में। तो आपको अच्छे से सेट करते हुए शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। तो एक तरफ देखिए इसमें मोती वगैरह आ रहे थे, तो पहले मैंने सुई धागे की मदद से इसको मैंने मोतियों को निकाल लिया, ताकि हमारी सुई टूटे ना और अच्छे से सिलाई भी हो जाए। तो मोती वगैरह जो भी हो आपकी साड़ी में, अगर आप सिल रहे हो तो उनको आप
आपको पहले वहां से निकाल लेना है जहां पे आपकी सिलाई आने वाली है। अब देखिए हम इसमें कॉलर लगाएंगे, तो कॉलर के लिए हमें गले को नापना है। तो हमने पहले तो शोल्डर को ज्वाइंट करना है, जब आपको जो गला है उसको आपको डबल करके नापना है। तो डबल करके जो गला है वो 8 इंच का आ रहा है, तो मतलब 16 इंच की लंबाई हो गई। तो हम 16 इंच की कॉलर लगाएंगे। अब देखिए जो साइड से कपड़ा निकला हुआ था वही मैंने ले लिया है, इसको मैं इस तरीके से सेट करते हुए रख लूंगी। इसमें आप बुकरम वगैरह लगाना चाहो तो बुकरम लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो हमें जो कॉलर है वो 16 इंच की चाहिए, लेकिन मैं 17 इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि जो कपड़ा हमने लिया है उसमें आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में भी चला जाएगा। अब इस कॉलर की चौड़ाई मैं 1.5 इंच की रखने वाली हूँ। तो यहाँ से देखिए कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच की इस तरीके से रख दी है। पूरी कॉलर में हमें 1.5 इंच का एक निशान लगा देना है इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद में हमें इसको कट कर लेना है। तो कट देखिए हम पहले तो यहाँ से सीधा कट कर लेते हैं 1.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमने लंबाई ली थी 17 इंच की वो हमें कट कर लेनी है। तो ये हमने कट फिट कर दिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जो कोना है वो आपको यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप में सिलना है, ताकि आगे से थोड़ा सा राउंड शेप में कॉलर दिखती है तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने राउंड शेप में इसको सिल दिया है, और दूसरे कोने को भी मैं इसी तरीके से सिल दूंगी। और सिलने के बाद में इसमें मैं ऊपर का जो कोना कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उसको कट कर देना है, क्योंकि हमने जो सिलाई लगाई है राउंड में तो उसका कपड़ा भी एक्स्ट्रा है अब, तो उसको हमें कट कर देना है। तो देखिए मैंने कपड़े को कट कर दिया। अब आलपिन जो हमने लगाई हुई थी उसको हमने निकाल दिया। कॉलर को आपको सीधा कर देना है, इसमें आप कोई भी कपड़ा भी डाल सकते हो, डालना चाहो तो। अब देखिए इस तरीके से कॉलर हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें आपको बीच सेंटर में निशान लगा लेना है एक कट, तो यहाँ से मैंने ये कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद में आपको इस कॉलर को सेट करना है। तो हमने कॉलर पे तो देखिए कट लगा दिया। अब आपको एक कट पीछे की साइड में थोड़ा सा अंदाजे के लिए गले पे भी लगा देना, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे हम इसका बीच सेंटर है। और देखिए कोने पे ये थोड़ी सी मोती वगैरह आ रहे थे, उनको मैंने निकाल दिया इस तरीके से। कोने पे जो यहाँ पे सिलाई आएगी वहां से आपको निकाल देना है, अगर आपकी भी इसी तरीके की साड़ी है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधा सिलाई भी लगा सकते हो। और देखिए यहाँ से अब इसका जो सिलाई वाला पार्ट है वहां से आपको इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए पहले मैंने इसका कोना सेट किया, यहाँ से सेट करने के बाद में इसमें इस तरीके से सिलाई आपको लगानी है डबल कोने पे, ताकि इसकी जो सिलाई है वो निकले ना। तो इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और सेट करते जाना है फिर आपको। तो कॉलर को आप कॉलर का जो दो हिस्से है ना, तो एक हिस्सा पकड़ना है नीचे वाला ऊपर वाला, फिर तो ये मैं सीधी साइड से कॉलर को लगा रही हूँ, फिर हम उल्टी साइड में सेट करते हुए कॉलर को सेट कर देंगे। तो ये देखिए पूरी कॉलर हमारी इस तरीके से लग चुकी है। अब इसको हम सीधी उल्टी साइड में लगा देते हैं सेट करते हुए। देखिए कोने को इस तरीके से कुछ सेट करना है आपको अच्छे से फिनिशिंग देते हुए, और इसमें सिलाई सीधी लगा देनी है। बहुत ही आसान है इस कोटी को बनाना, और ऐसी कोटी ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं और अच्छी भी लगती हैं किसी भी ड्रेस के साथ हम पहनते हैं। तो आप इसे किसी भी टॉप के साथ या फिर सूट के साथ जैसे भी आप इसको पहनना चाहो वैसे आप अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हो, लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा इसका। और देखिए इस तरीके से मैंने ये हैवी साइड से इस कोटी को बनाया है जो पूरी कड़ी हुई थी साइड। तो देखिए इस कॉलर को मैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगा दिया है मैंने इसको। ये हमारे अब आपको यहाँ पे ना कॉलर पे एक बटन या फिर डोरी लगा देनी नीचे की साइड में, या कॉलर पे जहाँ पे भी आप डोरी अटैच करना चाहो, बस या तो डोरी लगा सकते हो या फिर बटन या हुक कुछ भी लगा सकते हो, ताकि ये जो हमारी कोटी है वो सेट रहे बीच में ही। अब मैं इसमें जो हमारे आर्म होल हैं उसमें मैं पाइपिंग लगा दूंगी। तो पाइपिंग को मैंने ओरेवी कट किया हुआ है। ओरेवी पाइपिंग कट करने के बाद में यहाँ पे आर्म होल पे आपको उल्टी साइड से पहले सिलाई लगानी है। उल्टी साइड से सिलाई लगाने के बाद में फिर आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधी साइड में फोल्ड कर देना है।
तो ये हमारा इतना हो चुका है, आर्म होल हो गया, गला हो गया, और इसमें अब रह गया साइड वाली सिलाई। तो जितना हमने लिया था एक्स्ट्रा उतना ही हम इसमें सिलाई लगा देंगे। एक एक इंच मैंने साइड में एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो एक एक इंच का कपड़ा दबाते हुए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा कोटी बनके रेडी हुआ है। अब इसमें आपको बटन या हुक या डोरी जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। अभी मैं इसमें लगाऊंगी, वो बाद में लगा दूंगी, आप लगा सकते हो जो मैं बता रही हूँ वो आप लगा देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।